बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे तुलबा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, पहला ही टेंस है और अंग्रेजी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही यूज़ किया जाता है। इंग्लिश बोलचाल और लिखने में टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको टेंसेस ही नहीं आते तो आप अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं, ये बुनियाद है, फ्राम करते हैं आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने की। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर टेंसेस खाए जा रहे हैं और ब्रेम या यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका आगाज़ किया जा रहा है और बहुत ही आसान टेंसेस बना दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, इसकी तरीफ इस तरह है कि मौजूदा ज़माने में कोई काम ना पूरा हो और ना अधूरा, यानी गैर वाज़ह और गैर मुतय्यन हो। मसलन वो स्कूल जाता है, कौन से स्कूल में जाता है, किस वक्त जाता है, कहाँ से जाता है, कोई पता नहीं। तो लिहाजा ऐसे टेंसेस के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फिकरात के लिए। पहचान इसकी ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। मसलन अली कॉलेज जाता है, हम रोजाना नहाते हैं, लड़की गाना गाती है। इसमें फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और सारा फिक्रों में अमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता। फाइल वाहद और ही सी एट के साथ वर्ब में एस आई एस का इजाफा किया जाता है और मनफी बनाने के लिए जिन फिक्रात में एस आई एस का इजाफा हो इनके साथ डज नाट और बाकी के साथ डू नाट इस्तेमाल होता है। और इसी तरह सवालिया बनाने के लिए डज और डू को फिक्रे के शुरू में लिख दिया जाता है। सवालिया बनाने बहुत आसान है, मैं अपने दांत साफ करता हूँ, आई क्लीन माई टीथ। हम कुएं से पानी निकालते हैं, वो ड्रा वाटर फ्राम दी वेल। वो मेरी टांग खींचता है, मावरे है टांगें खींचना। ही पुल्स माई लेग, वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग। वो अपनी गुड़िया के लिए कपड़े सीती है, शी सीज क्रॉस फॉर हर डॉल। देखें ही सी एट के साथ एस आई एस का यहाँ सीज लिखा हमने, फॉर हर डॉल। असलम अपनी घड़ी को चाबी देता है, असलम विंस हिज वॉच डेली। वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो सुबह सवेरे दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे उठते हैं। ये लड़के हर रोज़ वर्जिश करते हैं, दीज बॉयज टेक एक्सरसाइज डेली। मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाता हूँ, आई डू नाट नॉक। ये देखें असवालिया बनाने के लिए आई के साथ डू नाट इस्तेमाल हुआ है, नॉक एट द डोर। हम तैरना नहीं जानते हैं, वी के साथ भी डू नाट लगाएंगे। वी डू नाट नो हाउ टू स्विम, वी डू नाट नो हाउ टू स्विम। वो झूठ नहीं बोलती है, शी ही शी एट के साथ डज नाट इस्तेमाल करते हैं हम। शी डज नाट टेल अ लाई, तुम पौधों को पानी नहीं देते हो, यू डू नाट वाटर द प्लांट्स। वो लड़के शोर नहीं मचाते हैं, दोज बॉय डू नाट मेक अ नॉइस, दोज बॉयज डू नाट मेक अ नॉइस। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई। क्या वो तुम्हारा मुंह चलाता है, डज ही मेक फेसेस एट यू, मेक फेसेस एट यू मुंह चलाना। क्या वो बालों में कंघी करती है, डज शी कॉम्ब हर हेयर, कॉम कॉम, डज ही कॉम्ब हर हेयर। बूढ़ी औरत खूबसूरत फूल बेचती है, एन ओल्ड वोमैन सेल्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। हम सुबह सवेरे कुरान पाक की तलावत करते हैं, वी रिसाइट होली कुरान अर्ली इन द मॉर्निंग। आसमान पर सितारे टमटमाते हैं, स्टार ट्विंकल इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
ये आपने बचपन में ही पढ़ा है, ट्विंकल करते हैं स्टार्स। अच्छे बच्चे वालदेन की इज्जत करते हैं, गुड बॉय रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। वो अपने बालों में कंघी करते हैं, दे कॉम्ब इन देयर हेयर्स। जहीन लड़के काम से जी नहीं चुराते, इंटेलिजेंट बॉयज डू नॉट शिर्क वर्क। शिर्क वर्क होता है काम से जी चुराना, शिर्क वर्क, शिर्क। हम किसी से नफरत नहीं करते, वी डू नॉट हेट एनी वन। वी डू नॉट लव, हेट का चक्कर है दुनिया में, कोई लव करता है कोई हेट करता है, लेकिन हम किसी से नफरत ही नहीं करते। वी डू नॉट हेट एनी वन। सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता है, द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हम हर रोज हॉकी नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले हॉकी डेली। वी डू नॉट प्ले, हालांकि डेली खेलनी चाहिए, लेकिन हम नहीं खेलते हॉकी डेली, इसलिए तो हॉकी में पीछे हैं। आप घड़ी को चाबी नहीं देते हैं, यू डू नॉट वेंट योर वॉच। क्या जज वक्त पर अदालत आता है, जज की मर्जी आए ना आए जज को कौन पूछने वाला है। डज जज कम टू कोर्ट इन टाइम, डज जज कम टू कोर्ट इन टाइम। क्या बीमार आदमी फर्श पर लेटता है, डज इल मैन लाई ऑन द फ्लोर। डज इल मैन लाई ऑन द फ्लोर, क्या बीमार आदमी फर्श पर लेटता है। ये सवाल है, क्या हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को शिकस्त देते हैं, डू आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफीट द एनिमी। और ये भी एक किस्म का सवाल है, क्या मुसाफिर सराय में काम करते हैं, डू पैसेंजर स्टे इन द इन। क्या धुआं आसमान की तरफ उठता है, और डज स्मोक राइज टूवर्ड द स्काई। ये अजीज तुलबा, ये टेंस जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी और प्रैक्टिस करने की, इसको बोलने की कोशिश करें, और जब ये आ जाएगा तो अक्सर किताबें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं। आपने तहरीर ज़्यादातर बनानी होती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, तो इस पर अबूर नहीं होता, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इस मेरे चैनल को ब्रेमिया यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये वह चैनल है जो आपको तलीम देता है। देखें, चैनल तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन तलीम के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे भी दुनिया में इज्जत हासिल करें, और हमारे बच्चे भी अंग्रेज़ी सीखें। हमारा मोटो है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी सीखे। दुनिया में जितनी भी जदीद तरक्की हो रही है वो अंग्रेज़ी में हो रही है, और हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान जब नई रिसर्च में आएगा, दुनिया की नई चीज़ों से आशना होगा हमारे नौजवान, तो हमारा प्यारा वतन भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें।